हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 1, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है मोल अंश। तो सबसे पहले जानते हैं मोल अंश किसे कहा जाता है। तो है क्या कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। फिर से सुनेंगे कि मोल अंश आप हेडिंग डालेंगे और लिखना क्या है, विलेय की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। और मोल अंश का किसे सूचित करते हैं, तो इसे एक्स से सूचित किया जाता है। और एक और बात आगे रहेंगे कि विलयन के कुल मोलों की संख्याओं का जो योग होता है वो होता है आपका 1। विलयन के कुल मोलों की संख्याओं का योग कितना होता है, 1 होता है। और एक और बात कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स ए बराबर या काई ए बराबर क्या होगा, तो एन ए बटा जो होगी एन ए प्लस एन बी होता है, जहाँ एन ए क्या होगा तो विलेय की मोलों की संख्या और एन ए और एन बी, एन ए प्लस एन बी क्या होगा तो विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं मोललता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मोललता। तो आइए जानते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। तो है क्या कि 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को, उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बट्टा विलयन के आयतन, विलयन के आयतन सॉरी विलयन का भार, विलयन का भार। और ये भार किस में होगा, तो केजी में होता है। फिर से एक बार सुनेंगे हम कि मोललता किसे कहते हैं। तो 1 kg विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, जिसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अर्थात स्मॉल m बराबर सूत्र क्या होता है, तो विलेय की मोलों की संख्या और विलयन का भार। और ये भार किस में होना चाहिए, तो ग्राम में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है मोललता। तो मोललता हम किसे कहते हैं, तो 1 liter, 1 liter विलयन में, 1 liter विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। फिर से बार सुनेंगे, 1 liter विलयन में, 1 liter विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, जिसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। और कैपिटल M बराबर फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटा
बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। तो फिर से बार सुनेंगे कि मोलरता किसे कहा जाएगा। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, जिसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, अर्थात कैपिटल एम बराबर सूचित किया होता है तो विलेय का आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन। और ये जो आयतन होता है वो किस में होता है, तो लीटर में होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहा जाएगा, तो विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान इंटू में प्रतिशत। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत का डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान और बिलियन के द्रव्यमान के अनुपात को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। और द्रव्यमान प्रतिशत को W/W से सूचित किया जाता है, अर्थात W/W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान और प्रतिशत के बदले में इंटो में कितना हो जाएगा 100। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।